रोड के गार्डन में वापस से हम लोग आ गए हैं और अभी सब हम लोग, मेरी खाला नानी लोग सब हम लोग आए हैं, तो यहाँ पे भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं। बिगर टिकट के जाने नहीं देंगे हमको। तो गाइज इधर देखो, मेरी बेटी कैसी आते के साथ जैसे हम लोग घुसे गार्डन में तो बोले अम्मा मेरे को कार में बैठना है, तो उधर कार में बैठ गई और वहाँ से देखो लंदन बस आ रही है। और मैं बोली पहले जब हम लोग निकले ना, तो मैं इसलिए व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं करी कि इससे पहले भी हम लोग ने शिवार गार्डन का हम लोग ने व्लॉग डाले है इसलिए। और यहाँ पे नेहा खड़ी है, नेहा का मैं आउटफिट बता रही, नेहा पानी पी रही था, मेरी अम्मी खड़े और क्या बोलते, तो शेखा मस्त गाड़ी एंजॉय कर रही थी, बहुत मज़ा आया। अब के बार बहुत हद से ज़्यादा मज़ा आया हम लोगों को, फुल एंजॉय किया हम लोग ने। और फिर यहाँ पे ये वाले झूले में समरीन और सिमरन दोनों बैठे थे, तो मैं थोड़ा उन लोग का शूट करी थी। और ये वाला झूला भी इतना हार्ड था गाइस, तो पूरा देखो कितना ऊपर तक जाता। मेरे को भी बोल रहे थे बैठो ना दीदी बैठो ना, मैं बोली नहीं बाबा मैं तो नहीं बैठ सकती, तुम लोग भी बैठो, एकदम कितना ऊपर तक जा रहा है। देखो मैंने ना थोड़ा थोड़ा शूट करी, हद भी तो ऊपर जा रहा है। देखो बाबा कैसा बैठे लोग, तुम लोग का दिल जानता, मेरे को तो देख के इतना डर लग रहा था। शेखा बहुत रो रही थी, चलो अम्मा अपन इसमें बैठेंगे, चलो अपन इसमें बैठेंगे, तो लेकिन मैं तो नहीं बैठी, सिमरन और समरीन दोनों बैठे। आप देख सकते हो गाइस कैसा बैठे, हाँ हम लोग मैं और शेखा कार में बैठे थे। तो गाइस इसमें ये वाली कार में मैरिन बैठी है और माजली बैठा है और हुमेरा बैठी है, देख सकते हो। इसके बाद हम लोग, मैं और शेखा बैठी, और यहाँ पे बच्चे लोग को मतलब सीखे जब तक चलाने के लिए, मतलब मतलब जैसा सीखने जब तक उन लोग का टाइम ख़त्म हो गया था। देखो माजली कैसा चला रहा गाड़ी, और मैरिन से तो बोलते ना चल ही नहीं रही थी, उसकी दादी चिल्ला रहे थे ढिल्ली ढिल्ली करके बोले इसको इससे तो कुछ नहीं होता करके। और हुमेरा देखो अच्छी चला रही है, ये नेहा शूट कर रही थी। और इसके बाद शेखा को भी बैठने का था, तो शेखा के साथ मैं बैठ गई। मैं फ़र्स्ट टाइम चलाई लेकिन मेरे को बहुत मज़ा आया, आप सब देखना अभी आगे। और यहाँ पे देखो ये तीनों भी मस्त चला रहे, माजली को भी बहुत मज़ा आया, हुमेरा को भी बहुत मज़ा आया। देखो 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 एक दूसरे को कैसा ठोक रहे गाइस, बहुत फुल इन्जॉय किए इन लोग ने, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किए, बहुत मज़ा आई हम लोग को लेकिन ये बार। फिर यहाँ पे देखो शेखा और मैं, हम दोनों बैठे, मेरे से तो गाड़ी बस गोल 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 ही घूम रही थी, तो मेरे को समरीन और सिमरन बोल रहे थे अरे गाड़ी तो चलाओ गाड़ी चलाओ, मेरी चला तो रही हूँ गाड़ी, तो बोले सिर्फ तुम गोल गोल घुमा रहे आगे पीछे तो लो। और मेरे को इतना अच्छा लग रहा था, मैं लिए अरे यार मैं तो अभी गाड़ी भी चला सकती रे, सेम गाड़ी के जैसा ही है। यहाँ पर मेरी नानी भी बोल रहे थे आगे तो ले, बोले आगे तो ले, बहुत मज़ा आई, अच्छा लगा। ये पहली बार बैठी मैं इसमें लेकिन ना डर बहुत है, बहुत ज़ोर से मतलब एक दूसरे को जब ठोकते ना शेखा के मुंह पे, वो मतलब हैंडल लग गया था गाड़ी का, बहुत ज़ोर से लग गया था, तो मेरे को बहुत डर लग रहा था। लेकिन फिर भी हम लोग ने फुल इन्जॉय किए, इसमें बैठे, मैं तो इसमें बैठी और बाकी कोई झूले में बैठी नहीं, मेरी अम्मी लोग बैठे एक दो झूले में, बाकी तो सब पूरा शिवार गार्डन में बच्चे लोग के ही झूले बहुत है, आप सब देख सकते। तो गाइस बहुत मज़ा आई, आप सब देखना, मैं पहली बार बैठी हूँ झूले में मेरी बेटी को लेके, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किए और अभी इन्जॉय कर रहे हैं। और इसमें देखो ये गोल वाले में लोग सब बैठे थे, मेरे इसमें सब गोल वाले में लोग सब बैठे थे, तो शेखा बहुत रो रही थी, शेखा की वजह से मुझे वो गोल वाले में बैठने नहीं मिला, तो शेखा को प्लेन में बिठाई, तो शेखा प्लेन में भी नहीं बैठ रही थी, बहुत रो रही थी। क्योंकि वो फिर वो मतलब जो झूले वाला भैया था उसने बोला कि ना ये बहुत ज़्यादा फास्ट घूमता है ना इसके लिए, फिर इसमें से इसको उतार दी, मैं आवाज़ दे रही हूँ शेखा शेखा, तो शेखा अंदर बैठ के रो ही जा रही है। फिर मैंने बोली नहीं भाई रुका दे, एक काम कर इसको उतार दे, तो फिर उसको उतार के फिर मैंने इसको, शेखा और मैं हम लोग दोनों नाव वाले झूले में बैठे। इधर इधर ऊपर देख,
वीकर 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 हाँ भाई सिलो कर सिलो सिलो। तो गाइस फिर है ना इसमें जंपिंग में बिठाई, जंपिंग में भी नहीं बैठी थी उसको, तीनों चीज़ में डर लगा। और फिर इसके बाद है ना इतना रोने लगी अम्मा मेरे को इसमें से निकाल, तो मैंने माजली को जंपिंग में भेज दी, माजली फिर इंजॉय किया उसमें जंपिंग में, नहीं तो उसमें भी नाटक कर रही थी। हम लोग आधे इसमें तीनों इसमें मतलब निकल गई, बोले नहीं मेरे को नहीं बैठने का। अरे वो रिमोट से चला रहा नानी। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, मारिफ मिसबा के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग आ चुके हैं सेवन वंडर गार्डन, और शूट मतलब सेवन वंडर तो आ चुके हैं, लेकिन अभी जो भी तो मैंने व्लॉग का मतलब स्टार्ट यहाँ से की हूँ। और आप सब कैसे हैं? ईद के व्लॉग जो भी है बहुत सब व्लॉग बन के पड़े हैं, हम लोग को डालने के लिए टाइम ही नहीं मिला है। अभी आज देखती हूँ, कोशिश करती हूँ इनको बोल के जल्द से जल्द व्लॉगिंग एडिटिंग करके डालो। और यहाँ मैरिंग करी है, और यहाँ पे सब लोग वॉशरूम गए, मैं इधर बैठ गई हूँ। देखो अभी आ रहे हैं बच्चे लोग भी आ रहे हैं, फुल एंजॉय। और हमारे ब्लॉग को प्यार देना ऐसे। छोटी है, आजा आजा, ये छोटी है, आजा जल्दी। उसकी बेटी है ना, रोएंगी फिर वो उसकी माँ। एक तो अभी गिर गई मेरी बच्ची, अभी गिरी। तो गाइस देखो शेखा के लिए ये मेरे मामू ने कोइट से भेजे हैं, है ना शेखा? किसने भेजा? दादू। किसने भेजा? दादू। थैंक यू बोल, थैंक यू तो बोल, थैंक यू तो बोल। मेरे मामू ने कोइट से भेजे शेखा के लिए, और इधर मेरी नानी आ गए हैं, सलाम करो। सलाम अलैकुम। हाँ
के पाले अरबी में के पाले जाने कैसे हो। अच्छा कई अरबी में बोलते। और यार देखो शेखा मस्त खेल रही है। देखो उस दिन देखो गाइस हम लोग शिवार गार्डन गए थे ना, तो शेखा देखो कैसी गिर गई थी। देखो यहाँ पे कट गया था, देखो यहाँ पे उसको लग गया था। बता बता ऊपर बता, ये इधर लग गया था इसको, पट्टी करें। और अभी अवतार देखो इसका, देखो गले में कितना मैल, नहा धो के भी बच्चा ऐसा भिखारी कैसा बच्चा रहता है ये, ऐसी हो गई है ये।